ये तस्वीरें आप लोग जो अपनी अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये एक महिला पुलिस कर्मी की तस्वीरें हैं और ये तस्वीर इतनी खूबसूरत है। इस बच्चे की माँ अंदर एग्जाम देने गई है, यानी एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने के लिए 6 महीने की बच्चे की माँ बैठी है, लेकिन उसका ध्यान कौन रख रहा है? एक महिला पुलिस कर्मी जो है उस बच्चे का ध्यान रख रही है। ये तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है, हालांकि ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। ट्विटर यूजर्स की बात करते हैं और फेसबुक यूजर्स, वो काफी ज्यादा इस खबर को पसंद कर रहे हैं और काफी ज्यादा इस खबर को ट्वीट और रिट्वीट भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये खूबसूरत क्यों है। ये खूबसूरत इसीलिए है जहाँ पर कहते हैं कि महिला महिला की दुश्मन है। आप देखिए कि महिला महिला की सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है, यानी आजकल के जमाने में साल 2023 में कहा जाता है कि औरत की दुश्मन एक औरत है। लेकिन आपको बता दें कि इस खूबसूरत तस्वीर को देखने के बाद में आप ये कह सकते हैं कि एक महिला की सबसे अच्छी दोस्त भी जो है एक महिला ही हो सकती है। हालांकि लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है इस पर बात करते हैं। ये 6 महीने का बच्चा है, इसकी माँ हाईकोर्ट का एग्जाम देने के लिए पहुंचती है, आपको बता दें। लेकिन तब क्या होता है, माँ बच्चे का ध्यान रख रही होती है, लेकिन जैसे ही एग्जाम देने का वक्त पास आता है, बच्चा जोर से रोने लगता है। आपको भी पता है कि बच्चे और माँ को एहसास हो जाता है कि वो कुछ देर के लिए अलग रहने वाले हैं, शायद ऊपर वाले ने माँ और बच्चे का प्यार ही ऐसा बनाया। तो एक ऐसा एहसास था, शायद बच्चे को पता चल चुका था कि माँ थोड़ी सी दूर जाने वाली है, कुछ 1-2 या 3 घंटों के लिए। तो बच्चे ने बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया, माँ ने उसे दूध भी पिलाया। आपको बता दें कि माँ ने उसे चुप करवाने की कोशिश भी की, लेकिन बच्चा कहाँ चुप हुआ और बच्चा सोया भी नहीं। अमूमन जब माँ एग्जाम देने जाती है तब वो किसी ना किसी को लेकर जाती है अपने साथ, लेकिन इस माँ के पास कोई भी नहीं था और ये माँ पीएन का एग्जाम देने जा रही थी। बिल्कुल, हाईकोर्ट में पीएन की पोस्ट के लिए ये माँ एग्जाम देने जा रही थी। ये 6 महीने के बच्चे को अपने साथ में लाई थी, लेकिन इस 6 महीने के बच्चे की देखभाल के लिए कोई साथ नहीं आया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस महिला के ससुराल वाले बुरे हैं, हालांकि मजबूरियां रहती है और इसने सोचा था कि बच्चे को कहीं सुला दूंगी किसी के पास, लेकिन बच्चा उड़ गया और बच्चे ने सोने का नाम नहीं लिया। लेकिन तब ये महिला क्या करती जिसका एग्जाम था, तब ये महिला ने अपने बच्चे को चुप करवाने की कोशिश की और बच्चा बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। लेकिन तब एक महिला कांस्टेबल यानी एक महिला पुलिसकर्मी सामने से आती है और वो कहती है कि जाओ आप एग्जाम दो, मैं आपके बच्चे का ध्यान रखती हूँ। और तब उस जो एग्जाम देने आई महिला है उसे इतनी खुशी महसूस होती है, उसे लगता है कि मेरी कोई बहन मिल गई है या मेरा ऊपर वाले ने साथ दे दिया है। और आपको बता दें कि जब तक वो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देती रही तब तक इस महिला पुलिसकर्मी ने उसे जो है अपने सीने से लगाए रखा और इस बच्चे के साथ खेलती रही ताकि ये माँ जो है अपना पेपर दे सके। और लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस फोटोज को बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है, ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट है, इस ट्वीट को काफी बार रिट्वीट किया जा रहा है। और बता दें गुजरात हाईकोर्ट पीएन रिक्रूटमेंट का एग्जाम देने पहुंची थी, यानी गुजरात हाईकोर्ट की अगर बात करते हैं उसमें एक पीएन की वैकेंसी थी, उनके लिए एग्जाम हो रहे थे और इस बच्चे की माँ उसके लिए वहां पर पहुंची थी, लेकिन वो एग्जाम देने जाने ही वाली थी कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इसे ट्विटर हैंडल पर अहमदाबाद पुलिस ने खुद से शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि बच्चे का बॉन्ड देखिए एक महिला पुलिसकर्मी के साथ, और एक महिला पुलिसकर्मी को भी इज्जत की जरूरत रहती है। हम वक्त आने पर लोगों का साथ भी देते हैं और वक्त आने पर दिखा भी देते हैं कि महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी या पूरी पुलिस फोर्स जो भी है उसकी क्या कुछ ड्यूटी रहती है। आपको बता दें कि इसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि फीमेल कांस्टेबल के साथ बच्चा खेल रहा है, बच्चे ने उसके हाथ को पकड़ा और बिल्कुल ऐसा खेल रहा है जैसे किसी रिश्तेदार से खेलता है। और आपको ये भी बता दें कि जब वो महिला पुलिसकर्मी वहां पर जाती है वो कहती है कि आप जाइए एग्जाम दीजिए, मैं आपके बच्चे की जो है वो देखभाल करती हूँ। अब ये वीडियो जो है वो इंटरनेट पर छाया हुआ है और हर कोई जो है इन फोटोज को शेयर कर रहा है और लिख रहा है कि बहुत खूब, सल्यूट टू महिला पुलिस ऑफिसर, जय श्री कृष्ण। कोई लिख रहा है ग्रेट, कोई लिख रहा है गुड जॉब, और कोई कह रहा है रियल वर्क, हैट्स ऑफ फॉर, और कोई कह रहा है बहन पुलिस का असली काम यही है जो तुमने किया है। ये अहमदाबाद पुलिसकर्मी में जो है बतौर कांस्टेबल का काम करती हैं और जिनकी ड्यूटी बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में थी। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि इन्होंने जो है इस बच्चे को लिया और इस बच्चे का ध्यान रखना शुरू किया ताकि इसकी माँ जो है वो अंदर पेपर दे सके। इस कांस्टेबल का नाम दया बहन है और दया बहन को जो है आज हर किसी से सराहना मिल रही है और हर कोई कह रहा है पुलिसकर्मी अगर सही तरह से काम करे तो कहा जा सकता है कि पुलिस की वाकई में ड्यूटी ये है और रियल जो पुलिस का कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये काफी वायरल वीडियो है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इन फोटोज के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या देख कर आपको खुशी नहीं होती? क्या देख कर ये फोटोज आपको अद्भुत और खूबसूरत नहीं लगते? इन फोटोज के लिए क्या कुछ कहेंगे? इस बच्चे और दया बहन जो पुलिस कांस्टेबल उनकी बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे वो आप जरूर लिखिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आपको जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करने के साथ अपनी वैल्यूएबल राय जरूर रखनी है।